नवाज शरीफ, मरियम हसन, हुसैन नवाज, इसहाक डार के खिलाफ नैब में रेफरेंसेस की मंजूरी। तहकीकात की जिम्मेदारी पैनामा जेआईटी में शामिल इरफान नईम मंगी को सौंप दी गई। इमरान खान ने कहा था तसद्दुक जेलानी के बाद आने वाले जज पार्लियामेंट तोड़ देंगे। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी, अगले इलेक्शन में हमारी बारी आएगी। इमरान खान ने पूछने पर कहा जो वो कह रहे हैं वही बात कर रहा हूं। जावेद हाशमी के हलफ उठाकर इंकशाफात। नए वजीर आजम का चुनाव कल होगा, छह उम्मीदवार मैदान में। शाहिद खाकान अब्बासी पर शेख रशीद और पीटीआई के एतराजात मुस्तरद। शेख रशीद, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, किश्वत जारा और साहिबजादा तारिकुल्ला के कागजात नामजदगी भी मंजूर। पीपल्स पार्टी वजीर आजम के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में शेख रशीद की हिमायत ना करने का फैसला। और कैनेडियन शहरियत छुपाने पर साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राणा को एक साल कैद की सजा। कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया।